शख्स उसकी काउंसिल का एक मेंबर था। अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें और मजबूत करना चाह रहे थे और ये कार्य उन्होंने मैकाले को सौंपा। मिस्टर मैकाले, तुमको पता है कि तुमको इंडिया में किस लिए बुलाया गया है? Yes, sir. I know it very well. Sir, इंडिया में अंग्रेजी राज की जड़ें मजबूत करनी है और ये प्रोजेक्ट मैं जरूर कंप्लीट करेगा सर। सर, मैं आज ही एक मीटिंग बुलाएगा। Mr. Johnson, Mr. David, Mr. Huxley and Mr. Charlie, तुमको पता है तुमको क्यों बुलाया? No sir. एक बहुत important project है। Mr. Clive चाहता है कि हम लोग इंडिया को permanently गुलाम बनाकर रखें और इसके लिए तुम लोगों को पहले एक survey करना होगा, इंडिया के कोने कोने में जाना होगा और पता लगाना होगा कि ये इंजन की कमजोरी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। Okay. Mr. David, you will go to North India. Mr. Johnson, you to East. Mr. Huxley, you to South. And Mr. Charlie, you to West. And hum jayega Central India. India. Aushan, ye kya hai? Sahab, E Gobar wa hai. Gobar means cow excreta. सर्वे सर, मेरा रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया में कोई गरीब नहीं। सर, इंडिया में कोई चोर या भिखारी नहीं दिखा। सर, इन इंडियंस को अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व है। सर, मैं जिस एरिया में गया वहाँ 100% पीपल एजुकेटेड है। यू ऑल बिलीव नाउ। और इस तरह से लॉर्ड मैकाले पूरी रात अपने मिशन को कामयाब करने की साजिश रचता रहा और अगले दिन हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। सर, मैंने पूरे इंडिया में अपनी टीम भेजकर सर्वे करवाया। पूरी इंडिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। यहाँ के लोगों का कैरेक्टर बहुत ऊंचा है और इसी कारण मुझे नहीं लगता हम यहाँ ज्यादा दिन टिक पाएंगे। What? Mr. McCauley, तुमको पता है तुम क्या बोल रहा है? Let me complete, sir. Okay, continue. Sir, हम इस देश को तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ ना दें। रीढ़ की हड्डी? You mean backbone of India? क्या है वो? इनका बैकबोन है इनका एजुकेशन सिस्टम, मतलब गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। लेकिन तुम ये सब करेगा कैसे? सर, अभी इस देश में 7,32,000 गुरुकुल है, यानी हर गांव में एक गुरुकुल। इसीलिए सबसे पहले इन गुरुकुलों को बंद करना होगा। But how is that possible? पहले हम गुरुकुलों को इलीगल घोषित करेगा, फिर संस्कृत भाषा को। गुरुकुल के बंद होते ही हम ऐसा कन्वेंट स्कूल खोलेगा जिसमें पढ़ने वाला शरीर से तो इंडियन होगा लेकिन दिमाग से अंग्रेज। इन्हें अपने देश संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होगा। इन्हें
हिंदी बोलने में शर्म आएगी। ये सोचेंगे कि जो कुछ अंग्रेजी है और जो कुछ विदेशी है वही अच्छा है, और ये पढ़ेगा यहाँ और काम करेगा हमारे लिए। और तब अंग्रेज भले चले जाए पर अंग्रेजी कभी नहीं। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, कोई गूगल क्यों बंद करेगा? Nothing is impossible. हमें गुरुकुलों को जबरदस्ती बंद करना होगा। गुरुकुलों में आग लगा दो, तोड़ दो, वहां के गुरुओं को मारो, पीटो, जेल में डाल दो। Water. ये क्या बोल रहे हैं? अरे वाटर कोई दोस्त का नाम होगा, उसी को याद करते होंगे। अरे तुम मर गए? अरे ये सब कैसे हो गया? आखिरी समय में कुछ कहा क्या? हाँ तो कौन याद कर रहे थे, तुम्हारा नाम वाटर है क्या? क्या? अरे वो तो पानी मांग रहे थे। कहाँ? इन्हीं लोग। ये तो यही बात हुई हुआ, देश छाड़े विदेश गयो, सीखी विदेशी बानी, वाटर वाटर करता मरियो, खाटला नीचे पानी। तो देखा आपने अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खुलने के बाद पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह कॉन्वेंट स्कूल खुलने लगे, और परिणाम स्वरूप हम अपनी भाषा से दूर होते चले गए। तभी आज से लगभग 45-50 साल पहले एक महापुरुष अपनी ध्यान समाधि का सुख छोड़कर हमारी सोई हुई चेतना को जगाने और सैकड़ों वर्षों की मानसिक गुलामी से आजाद करने हमारे बीच आए। आपको पता है कौन है वो महापुरुष? जी हाँ, आपके, हमारे और सबके प्यारे परम पूज्य संत शिरोमणि संत श्री आशाराम जी बाबा। बापू जी ने एक बार कहा था, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी मत सीखो, मैं तो चाहता हूँ कि गुरुकुल के बच्चे ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोले कि अंग्रेज भी शर्मा जाए, लेकिन महत्व बुद्धि अपनी भाषा के लिए होनी चाहिए। लोग कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया में 205 देश है और मात्र 18 देशों की ही मातृभाषा अंग्रेजी है। इजराइल, जर्मनी, जापान, चाइना, ऐसे कई देश हैं जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके आगे बढ़ रहे हैं। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे बड़े बड़े देश बचपन से ही बच्चों को स्कूल में संस्कृत सिखा रहे हैं। नासा के द्वारा बनने वाले 6वें व 7वें जनरेशन के कंप्यूटर संस्कृत पर ही आधारित है। आज हमारी देवभाषा संस्कृत विदेशों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है, और यहाँ भारत में हमारी भाषा संस्कृत को वैकल्पिक विषय का रूप दिया जा रहा है। इंग्लिश इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, जबकि संस्कृत दुनिया की सबसे मानी हुई और वैज्ञानिक भाषा है। अरे भाई, सभी मौसियों का सम्मान करो, लेकिन प्यार तो अपनी माँ से करो। और जनाब एक बात कहूँ, यदि हिंदी ना होती तो आप ना होते, आप कब के
श्री आशाराम जी गुरुकुल ही है जो आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपनी संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, देश और मातृभाषा से प्रेम करना भी सिखाते हैं। और इसलिए आज पूज्य बापू जी द्वारा प्रेरित दीपावली अनुष्ठान शिविर में मैं सभी भारतवासियों का आह्वान करती हूँ कि यदि चाहिए उच्च शिक्षा और